नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी के राजपुरा में वार्ड नंबर 12 की पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार द्वारा शिल्पकार सेवा संस्थान में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में लिवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन समेत कई प्रकार की जांचें की गई। तो वहीं शिविर में सुबह से शाम तक लोगों की काफी भीड़ रही। वहीं स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। निवर्तमान पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि बरसात के दौरान कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसके चलते आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया, साथ ही परामर्श के बाद दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं। किस तरह के उपचार यहाँ पे हो रहा है? बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बरसातों के चलते ही जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, निमोनिया आदि ऐसे कई बीमारियां हैं जो लोगों को पकड़ती हैं गंदगी की वजह से। इसी के चलते आज हमने शंकर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की वजह से साथ मिलकर ये निःशुल्क कैंप का शिविर का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टरों के परामर्श अनुसार उन्हें देखते हुए उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। इलाज यहाँ पे हो रहा है, इसमें 9 तरीके की छोटी बड़ी जांचें हैं, ब्लड की और हीमोग्लोबिन जांच हैं, शुगर की जांचें, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है और KFT LFT दोनों जांचें हैं। अभी थोड़ी देर में वो चालू हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर साहब आ नहीं पाए हैं, और मैंने इसमें अभी इंक्लूड करी थी, शायद वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की, वो शायद नेक्स्ट वीक में एक कैंप लगाऊँ तो उसमें वो इंक्लूड करी जाएगी वो जांचें। ये थी हल्द्वानी समय संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।